आज तीसरा दिन है और आज दिव्य दरबार लगा पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के कार्यक्रम में और आप भीड़ देख सकते हैं। आज भी 10 लाख से अधिक संख्या में लोग यहां पर आए हुए हैं और यह मेन गेट है जहां से लोग जा रहे हैं हनुमंत कथा का आनंद लेने और सुनने। देखिए कितना भारी संख्या में आज भी यहां पर भीड़ आया हुआ है। कल जिस तरह उन्होंने कहा कि काफी संख्या में भीड़ होने के कारण आधे में ही जिस तरह उनका अनाउंस हुआ प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कि काफी कम संख्या में लोग यहां पर आए, बावजूद भी आज भी 10 लाख से अधिक संख्या में भीड़ है। आप देख सकते हैं चारों तरफ लोग ही लोग हैं और भारी संख्या में आज भी भीड़ लगा हुआ है यहां पर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के कार्यक्रम में। देखिए लाखों की संख्या में आज भी यहां पर लोग आए हुए हैं और ऐसे कई ऐसे मेन जो यहां पर गेट हैं, बावजूद देख सकते हैं कि किस तरह से आज 15 तारीख है, दिव्य दरबार लगा था जिसमें अर्जी लगी थी और बाबा कई लोगों की अर्जी को सुने भी, और बावजूद यहां पर इतना भारी संख्या में आप देख सकते हैं कि भीड़ है। 10 लाख से अधिक संख्या में लोग यहां पर आए हुए हैं और कल भी काफी ज्यादा भीड़ हो गई थी जिसके कारण कथा को बीच में ही बंद किया गया। देखिए 40 डिग्री सेल्सियस में भी लोग इतने गर्मी में श्रद्धालु यहां पर आ रहे हैं, इस बात का प्रतीक है कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के बागेश्वर धाम सरकार के जो पीठाधीश हैं उनके चाहने वालों की संख्या कितनी है इस बात को दर्शाता है। चारों तरफ जिधर आप देखेंगे लोग ही लोग हैं, कई लोग अपनी समस्या को लेकर आ रहे हैं, किसी को तरह तरह की जो समस्या है, चाहे वह फिर किसी को चलने में दिक्कत हो, तमाम तरह की जो समस्याएं होती है उनसे ग्रसित भी लोग यहां पर आ रहे हैं और लगातार यहां पर लोगों का जो जमावड़ा है, श्रद्धालु की जो संख्या है वो आज भी 10 लाख से अधिक है। ऐसे में आप देख सकते हैं कि कितने गर्मी के बावजूद 40 डिग्री सेल्सियस है उसके बावजूद भी यहां पर आज भी संख्या काफ़ी ज़्यादा है लोगों की और आज भी 10 लाख से अधिक लोग यहां पर आए हुए हैं। आप देख सकते हैं कि कितने संख्या में यहां पर लोग पहुंचे हुए हैं और आज भी लगातार जिस तरह से बोलते ही ना के देख रहे हैं किस तरह क्या एक दूसरे के अपाहिज लोग के लेडीज के धसोर दिए के लड़के लोग की पेट पर छाती पर चढ़ गए। हाँ वो लोग यही धाम पर आए हैं। अच्छा धाम पर ये हम लोग बरियार नहीं रहते तो देखिए वहाँ पर हम इसको बैठाए हैं। अलग अलग तरीके से लोग आए हुए हैं, देख सकते हैं कि कितने संख्या में लोग यहाँ पर आए हुए हैं बावजूद जिस तरीके से यहाँ पर लोगों की भीड़ देखी जा रही है। आज बाबा के दरबार का तीसरा दिन है और आज दिव्य दरबार लगने वाला है। हम लोग जा रहे हैं देखने कि कैसे बाबा के यहाँ अर्जी लगता है और बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पे जा रहे हैं। कल 10 लाख